सो हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर में गाइज हम आपको एक क्लिप दिखाने वाले हैं, जिस क्लिप के अंदर में गाइज आप देख पाओगे कि कैसे अगस्ता भाई का एक्सीडेंट हुआ है। एंड गाइज तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना कि क्या ये सही है या गलत है, क्या मतलब ये मेरा मतलब मानना है गाइस कि जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा हो सकता है कि वो एक एक्सीडेंट क्लिप है जो इतने दिन से शायद मिस आउट हो चुका है लोगों से। एंड क्यों आमिर वाजिद ने जो गाइस वहां पे जूम करा था वो भी शायद इसी वजह से करा होगा। एंड जहां तक मेरे को लगता है गाइस कि ये एक एक्सीडेंट फुटेज है जिसके वजह से ही आमिर वाजिद ने वो क्लिप हटाई थी, मतलब जूम किया था। उसके बाद तो उसने पूरा का पूरा रॉ फाइल अपलोड किया, लेकिन उसी रॉ फाइल के अंदर गाइस आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगा। एंड तुम लोग बताना कि क्या ये जो भी चीज़ मैंने बताया है ये सही है या गलत है, क्योंकि मैं ये जजमेंट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो आमिर वाजिद के इस वीडियो पे जहाँ उन्होंने ये वाला स्टार्ट मतलब किया है लास्ट मोमेंट जब मैंने अगस्ता को देखा। ठीक है, यहाँ से भाई तुम लोग देखो अगस्ता भाई इनके साथ यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चल रहे हैं और अगस्ता भाई देखो तुम यहाँ पे इनसे आगे है। ओके, यहाँ अगस्ता भाई इनसे आगे की चल रहे हैं, मतलब आगे चल रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे पूरे इस क्लिप में तुम लोग यहाँ पे देखो अगस्ता भाई इनके साथ ही है। यहाँ तक कि गाइस आपको जो है अगस्ता भाई इनके मिरर में भी देखने को मिलेगा। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो पीछे मिरर में यहाँ पे अगस्ता भाई ही है। ओके, यहाँ तक तो गाइस पूरा का पूरा सिचुएशन जो गाइस वो नॉर्मल है। ओके, एंड यहाँ अगस्ता भाई जो है भाई इनके साथ ही है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या है कि तुम लोग देखो गाइस इस वाले पूरे के पूरे हाईवे में यही वो लास्ट कार है जिसको ये लोग भाई पास्ट यहाँ पे किए हैं। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो गाइस आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की कार दिख रही है, ये कार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो आमिर वाजिद ने जब अपनी पूरी रॉ फुटेज डाली तो उसमें भी तुम लोग यहाँ पे देखना, मैं तुमको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे ये वाली जो कार है, ये वाली जो कार है यही वो आखिरी कार है जिनको ये दोनों लोग जो है यहाँ पे क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद ही भाई यहाँ पे अगस्ता भाई का एक्सीडेंट होता है। तो शायद हो सकता है कि जो ये कार वाला है इसी नहीं जो यहाँ पे ठोकर मारी है, या फिर इस कार वाले को पता है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि अब पूरे रोड पे कोई नहीं है, पूरे रोड पे बस ये कार वाला ही है जिसको ये लोग यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि पास करेंगे। ये देखो यहाँ बगल में अगस्ता भाई की यहाँ पे बाइक है, बगल में ये कार वाला है और इसके बाद ये लोग किसी को भी यहाँ पे ओवरटेक नहीं करते हैं। तो पीछे से ये कार वाला ही आ रहा था। एंड तुम लोग देख सकते हो गाइज यहाँ पे पीछे से ये कार वाला ही यहाँ पे जो गाइज वो आ रहा था। इसके बाद तुम लोग फुटेज में देखो यहाँ पे भाई ये लोग इनको ओवरटेक करते हैं और पूरे रोड पूरा का पूरा रोड खाली है एंड यहाँ पे कोई भी कार नहीं है, ना कोई यहाँ पे गाड़ी है। एंड जैसे ही अब यहाँ पे ये लोग आगे जाते हैं तो गाइज वो एक्सीडेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि देख सकते हो बस एक नॉर्मल यहाँ पे एक लॉरी है जो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। पीछे थोड़ा करता हूँ, ये देखो ठीक है, पीछे से बस वही एक ब्लैक कलर की कार आ रही है। अब वो कौन सी एक्सयूवी है ये मेरे को नहीं पता, या फिर कौन सा कार है, तो ये चीज़ पता करना पड़ेगा गाइज। जो भी टॉल था जहाँ पे लोगों ने क्रॉस करा था या फिर जहाँ ये लोग पहुँचे थे वहाँ से ही पता चल सकता है गाइज, उस उनके सीसीटीवी कैमरा से पता चल सकता है कि वो कार कौन था, मतलब कौन ड्राइव कर रहा था, किसका है, वही बता सकता है कि क्या हुआ था। अगर उसने एक्सीडेंट करा है तो भाई वहाँ पे दिख जाएगा आपको, अगर उसने नहीं करा तो वो बता सकता है कि क्या हुआ था, बाइक का डिसबैलेंस हुआ था या बाइक की टायर फटी थी या क्या हुआ था, वो सब चीज़ भाई वो कार वाला पे ही अभी हो सकता है। यहाँ पे गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे गाइज यहाँ पे ये लोग इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो गाइज ये वो जगह है जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ। ओके, यहाँ पे गाइज देखो अब ये फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो फुटेज है जो आमिर वाजिद ने सबसे पहले वीडियो पे डाला था। यहाँ पे गाइज तुम लोग इस वाले शीशे पे गौर करना, ठीक है, इस वाले शीशे पे तुम लोग गौर करना। यहाँ पे गाइज तुम्हें एक बोर्ड दिखेगा जो कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे गाइज आपको एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ अब देखने को मिलेगा। वो शॉकिंग चीज़ क्या है तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, मैं यहाँ पे ना इस चीज़ को थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको, अब अच्छे से देखो इस मिरर पे आप लोग ध्यान रखना ब्रो, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस मैं एक एक फ्रेम आगे जाऊँगा, एक एक फ्रेम आगे जाऊँगा तो यहाँ आपको एक ब्लैक सा डॉट देखने को मिलेगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये ब्लैक डॉट क्या है, मैंने इसके भाई यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना स्क्रीन शॉट्स निकाल के रखे हैं, मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो सारे स्क्रीन शॉट्स है, तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो कि ये वो फोटो है जो मैंने रखी है। तो मैं यहाँ पे जूम करता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख सके, ये एक ब्लैक सा जो इतना लंबा आपको डॉट दिख रहा है ये क्या है भाई, ये एक्चुअली में गाइस मेरे को लग रहा है कि यही है अगस्ता भाई की बाइक, क्योंकि आप इसका साइज़ देखो काफ़ी बल्की है, काफ़ी लंबा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज आप लोग जो ऊपर बिलबोर्ड देख रहे हो काफ़ी बड़ा है।
तो ये हो सकता है भाई कि अगस्ता भाई की बाइक है एंड ये नीचे से कहीं भी ज्वाइंट नहीं है, मतलब ये हवा में पूरी चीज़। मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे जाके, तो ये आप लोग सबसे पहले यहाँ पे इस क्लिप में देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि भाई वो चीज़ें क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, मैं अब यहाँ पे तुम लोग देखो इसमें, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है, यहाँ पे देखो ये ब्लैक डॉट है। अब गाइस जैसे मैं एक फ्रेम अब आगे जाऊँगा, ये देखो ये वापस हवा में आया, मतलब ये वापस हवा में आया। फिर एक स्टेप आगे जाऊँगा, देखो वापस हवा में आया। अब देखो गाइस ये यहाँ पे क्रैश हो रहा है, पूरा क्रैश होते हुए यहाँ पे गाइस तुमको दिखेगा। एंड क्रैश होने के बाद जो एक मतलब ब्लास्ट टाइप होता है, मतलब ब्लास्ट नहीं, मतलब जो कहीं किसी चीज़ में जब लड़ता है तो गाइस वहाँ पे धूला निकलता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे क्या कहते हैं मतलब डस्ट निकलता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो गाइस यहाँ पे इस फुटेज पे देखो गाइस, यहाँ पे गाइस आपको एक डस्ट देखने को मिल रहा होगा, बीच में दो पार्टिकल मतलब दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में आपको ये डस्ट देखने को मिलेगा इस फुटेज के अंदर में। गाइस ये ही वो मोमेंट है जब यहाँ पे अगस्ता भाई की बाइक जो है वो टकराई है। अब जो बाइक गाइस उतनी हवा में गई थी वो या तो पीछे से किसी ने टक्कर मारी है या अगर टायर फटा है या पता नहीं, वो तो भाई आपको पता चलेगा सीसीटीवी कैमरा से और वो गाड़ी वाला ही बता सकता है। बाकी यहाँ पे तुम लोग सही से देखो, पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट हो रहा है और यहाँ पे गाइस बीच में थोड़ा सा जो है ना डस्ट टाइप का जो यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीन शॉट्स मेरे पास है, मैं उस सबको अच्छे से क्लियर दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, ये यहाँ पे कुछ डिवाइडर टाइप है और ये वो बाइक है गाइस। एंड बीच में देखो गाइस ये वाला पार्ट यहाँ पे कुछ ब्लर ब्लर जैसा है, ये वो डस्ट है, जब बाइक लड़ती है तो जो डस्ट निकलता है ये वो पार्ट है यहाँ पे। एंड इसके बाद गाइस जहाँ से तुम लोग नेक्स्ट फुटेज में देखो, यहाँ पे देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ और कमाल की चीज़, मतलब ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा नोटेबल चीज़ है, इसको नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन भाई, क्योंकि हो सकता है कि गाइस ये वही पार्ट है जहाँ आपको पता चल रहा हो कि शायद ऐसे एक्सीडेंट हुआ हो एंड क्या नहीं। भाई देखो मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन सही है गलत है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ अगर आपको लगता है सही है तो प्लीज़ भाई इसको शेयर करो, बिकॉज भाई इससे जस्टिस मिल सकेगा भाई यहाँ पे अपने अगस्ता भाई को, कि अगर सच में उनका एक्सीडेंट हुआ है, किसी कार वाले ने उनको भाई धक्का मारा है भाई, तो ये सबसे बड़ा जो है गाइस यहाँ पे आप कह सकते हो सबूत है। यहाँ पे तुम लोग देखो, इसके बाद मैं एक फ्रेम आगे करता हूँ, यहाँ पे देखो गाइस अब वो इसके अंदर में घुस रहा है। एंड देखो गाइस अब ये यहाँ पे क्या होगा, वापस हवा में आएगा। ये देखो गाइस यहाँ पे पीछे से गाइस देखो ये थोड़ा ऊपर गया, अब नीचे आते हैं। एंड ये देखो गाइस अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरा अच्छे से एंड क्लियर गाइस। ये देखो गाइस यहाँ पे देखो ये वापस आ गया है, मतलब नीचे से टकराने के बाद शायद बाइक जो गाइस वापस जो है ऊपर की तरफ गया है। एंड यहाँ देखो गाइस ये पेड़ के पीछे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। ये देखो गाइस सेकेंड फ्रेम में ये यहाँ आया, उसके बाद के फ्रेम में देखो गाइस यहाँ है, एंड उसके बाद के फ्रेम में देखो यहाँ है, और नीचे गाइस ये ब्लैक कलर का कोई मेरे को कार जैसा चीज़ लग रहा है, ठीक है। एंड ये देखो गाइस यहाँ पे जो है एक पूरा का पूरा बाइक जैसा चीज़ है गाइस, जो कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये चीज़ जो गाइस यहाँ पे जाके फिर नीचे आ जाती है, देखो ये देखो आ गई नीचे, मतलब ऐसे करके नीचे की तरफ डाउन आ रही है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ गाइस कहीं ना कहीं तुम लोग देख सकते हो भाई आमिर भाई के इस वाले मिरर पे कैप्चर हुआ, क्योंकि इसके बाद भाई इस दोनों ही साइड के मिरर पे कहीं पे भी गाइस हमें अगस्ता भाई दिखने को नहीं मिल रहे। और आमिर माजिद का स्पीड इतना भी नहीं था कि वो एकदम से चला जाएगा 2-3 किलोमीटर दूर, क्योंकि अभी वो ट्रक के पास तक उस गाड़ी के पास तक ये लोग साथ थे। एंड अब गाइस यहाँ पे अगस्ता भाई दिख नहीं रहे, लेकिन उसके बाद के क्लिप जहाँ अगस्ता भाई दिखना बंद हो गए वहाँ पे गाइस ऐसा एक चीज़ जो है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गाइस कुछ जो चीज़ है वो डिवाइडर में लड़ता हुआ दिखा है और हवा में आता हुआ दिखा है, जो कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये वाला क्लिप देखो तुम लोग यहाँ पे पेड़ के पास, यहाँ पे ये ब्लैक कलर की चीज़ है, ये क्या है गाइस, ठीक है। ये देखो गाइस यहाँ पे मैं पीछे करता हूँ, अब देखो गाइस ये पेड़ के पीछे से निकला, मतलब ये वाले चीज़ को ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है, ये निकला एंड यहाँ से गाइस ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे ना स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो में आपको अच्छा से ना दिखे, मैंने स्क्रीन शॉट ले रखा हुआ है। ये देखो गाइस यहाँ पे, ये देखो गाइस ये बाइक है गाइस, तुम लोग सही से देखो, मेरे को तो भाई ये पूरा का पूरा बाइक लग रहा है, क्योंकि ये पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये डिवाइडर है, तुम लोग देख सकते हो, ये कोई कार टाइप है जो कि शायद रोड के उस पार हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम लोग देखो गाइस ये वो बाइक है जो इस तरीके से, मतलब ऐसे सीधी होती है, यहाँ एक चक्का है, यहाँ एक चक्का है, लेकिन ये बाइक ऐसे है एंड ऐसे
थोड़ा लेटा हुआ है उस एंगल में तुमको ये चीज़ देखने को मिलेगा। मेरे पास अच्छे पिक्सल्स में, देखो तुम लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो हो सकता है तुम्हें ये चीज़ उतना अच्छा पिक्सल में ना दिखे। मेरे पास एक बड़ा सा स्क्रीन है गाइज, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो गाइज मेरे पास में एक बड़ा सा स्क्रीन है। तो इस बड़े से स्क्रीन में गाइज मेरे को बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, तो प्लीज़ उल्टा सीधा कमेंट नहीं करना मेरे को, ये बड़े से स्क्रीन में मैं हर पिक्सल्स को अच्छे से देख पा रहा हूँ, मैं इसलिए आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चीज़। इसके बाद यहाँ पे देखो, इस फुटेज में देखो, ये तो चलो फुटेज मैंने आपको दिखाया यहाँ पे लड़ते हुए, एंड ये देखो गाइस, यहाँ पे देखो गाइस, ये चीज़ आपको पूरा का पूरा एक बाइक जैसा ही देखने को लगेगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। नीचे ये कार है जो कि पेड़ के नीचे से जा रहा है, और ये यहाँ पे एक बाइक जैसा ही गाइस पूरा का पूरा ब्लैक डॉट है जो गाइस यहाँ पे मेरे को दिखा है। एंड तुम लोग देखो, अब जो गाइस ये पूरा नीचे की तरफ झुक गया है, ये देखो अब इसका पोजिशन देखो, ये पूरा नीचे की तरफ झुका हुआ है। इसके बाद पहले का फोटो देखो क्लिप, ये देखो पहले के फोटो में ये ऐसा है, ठीक है। अब इसके बाद का क्लिप देखो आप, जो कि अब ये थोड़ा नीचे की तरफ जा चुका है, जो कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई मेरे को लगता है कहीं ना कहीं भाई ये अगस्ता भाई की ही बाइक है, ठीक है, जो शायद एक्सीडेंट होते हुए गाइस ये चीज़ रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है ना। एंड इस चीज़ के ऊपर शायद किसी का ध्यान नहीं गया होगा। ओके, यहाँ पे तुम लोग देखो, मैंने एक मार्कर भी लगा रखा हुआ है, जो कि तुम लोग ये वाला यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये कार है और ये बाइक है। हो सकता है भाई कि इसी कार के नीचे आकर जो है भाई अगस्ता भाई की एक्सीडेंट हुई है, या फिर पीछे से किसने भाई यहाँ पे ठोकर मारी है। तो ये चीज़ें अभी यहाँ पे भाई मतलब आउट होना ज़रूरी है। एंड बाइक की स्पीड गाइस काफ़ी थी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड भाई ये कि पूरा का पूरा जो है ना वो ऊपर जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे खुद अमीन माजिद 175 पे चला रहा है, एंड 175 कोई नॉर्मल स्पीड नहीं होती भाई। मैं खुद बाइकर हूँ, मेरे को पता है भाई 100-120 जाते जाते भाई हेलमेट एकदम से कांपने लगता है भाई। ये 175 यानी कि ऑलमोस्ट 200 के आसपास चला रहा है भाई, तो तुम लोग समझ ही सकते हो। तो यही चीज़ें भाई जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। एंड गाइज आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे जो है इस फुटेज में देखो, आप लोग यहाँ पे आमिर माजी समझा रहा है, यहाँ तक आते हैं ये लोग साथ में, यहाँ तक साथ में आए, इसके बाद कोई गाड़ी नहीं है। तुम लोग देख सकते हो पूरा रोड खाली है, पूरा का पूरा रोड खाली है, बस पीछे एक ब्लैक कलर की कार ही थी जिनको उन्होंने ओवरटेक करा, उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद ये जगह एक्सीडेंट मतलब हुआ था ऐसा बोल के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये देखो गाइज यहाँ पे, अब यहाँ पे ही जो गाइज वो पार्ट है तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिस पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। एंड तुम लोग यहाँ पे साफ साफ वो चीज़ देख सकते हो भाई, सामने में आपको एक वाइजर टाइप का भी मतलब दिखेगा यहाँ पे। मेरे को तो लग रहा है गाइज कि बाइक का जो वाइजर होता है सामने का वो पार्ट है, क्योंकि सामने चौड़ा है, पीछे की तरफ पतला है गाइज, ये पीछे सीट पतला होता है, सामने चौड़ा होता है, इतना ज़्यादा चौड़ा मुँह होता है, एंड पीछे बाइक पतली होती है। तो ये गाइज मेरे को कहीं ना कहीं बाइक लग रही है। अब भाई ये चीज़ कितनी ज़्यादा सही है, मतलब कैसा है नहीं है भाई, देखो ये मेरा एक ओपिनियन वीडियो था, मैंने आपके लिए बनाया। एंड आप सभी लोगों से जितनी भी प्रो राइडर की भाई यहाँ पे ऑडियंस है, सब लोगों से मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को भाई उनके पापा तक पहुँचाओ, ठीक है, ड्रैगन Z900 तक पहुँचाओ, एंड जो लोग भी यहाँ पे भाई न्यूज़ चैनल से उन तक पहुँचाओ, ताकि ये चीज़ भाई स्प्रेड हो सके, एंड कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये चीज़ पार्ट हो सके, एंड पुलिस इस चीज़ को भी देखे, एंड कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करे कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है। क्योंकि भाई ये मेरा एजम्पशंस है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो बाइक है, ठीक है, हो सकता है कि वो नहीं भी हो सकता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ एज अ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को आगे शेयर करो भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर ज़रूरी ये है हमें जानना कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। अगर भाई उनका मतलब डिसबैलेंस हो गया बाइक, ठीक है, तो वो एक तरीके का भाई यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भाई दुर्घटना हो गया। लेकिन अगर भाई किसी ने उसे पीछे से धक्का मारा है, अगर किसी ने उसको हिट किया है और वहाँ से भागा है, तो गाइज़ ये एक मर्डर है, ये एक एक्सीडेंट नहीं है। तो गाइज़ ये बहुत बड़ा कंसर्न है गाइज़, आपको नहीं पता, ठीक है। प्रो राइडर भाई को जस्टिस मिला यहाँ पे, एंड आप लोग प्लीज़ भाई सपोर्ट करो, ये क्लिप जो मैंने ये वीडियो बनाई है आप इनको शेयर करो, ठीक है, उनके पापा तक पहुँचाओ, एंड देखो भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी यार अगर आपने वीडियो तक देख ली है तो भाई थैंक यू वेरी मच, ओके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए टाटा।